वर्कला का नाम सुनते ही हमारे मन में क्या आता है? बीच, क्लिफ, कैफेज एंड पार्टी। पर क्या आपने वर्कला की वो शांत और सीरीन साइड देखी है, जहां हम भीड़भाड़ और शोरगुल से दूर ट्रूली नेचर के बीच में फील करते हैं? आज एक्सप्लोर करते हैं वर्कला के कुछ ऐसे ही एस्पेक्ट जो हमको केरला के कल्चर और नेचर के और करीब ले जाएंगे। सो इट्स ए ब्राइट सनी मॉर्निंग हियर इन वर्कला और सनराइज हो चुका है और पूरा सी सनलाइट से चमक रहा है। दूर दूर कुछ बोट्स भी दिख रही हैं। फिशरमैन आर गेटिंग रेडी टू गो इनटू द सी। लोग होटल्स की, रेस्टोरेंट्स की सफाई कर रहे हैं, कुछ लोग घूम भी रहे हैं। सो स्लोली स्लोली दिस होल प्लेस इज गेटिंग रेडी टू वेलकम देयर गेस्ट। सो वर्कला में ये बीचेस, ये स्ट्रीट, ये क्लिफ के अलावा और भी कुछ चीजें हैं एक्सप्लोर करने के लिए टाउन में। तो आज हमारा प्लान है वर्कला टाउन में जाके उन जगहों को एक्सप्लोर करने का। सो वी आर स्टार्टिंग अर्ली टुडे। अभी 8:15 हुआ है, नाश्ता भी नहीं किया है अभी। टाउन में ही कहीं लोकल ब्रेकफास्ट ट्राई करेंगे। एंड सबसे पहले हमको स्कूटी लेनी है रेंट पे। देर आर सम प्लेसेस ऑन दिस स्ट्रीट जहाँ पे हमको स्कूटी रेंट पे मिल जाएगी। यहाँ पे स्कूटी का रेंट है 600 rupees फॉर 24 hours। सो अगर आपको टाउन में कुछ एक दो जगह ही देखनी है तो फिर तो आप कैब या फिर ऑटो लेके वहाँ जा सकते हैं। बट अगर आपको पूरे दिन एक्सप्लोर करना है टाउन को तो फिर बाइक रेंट पे लेना ज़्यादा बेटर होगा। तो ऑटो या टैक्सी तो ये हेलीपैड वाले टैक्सी स्टैंड से ही मिल जाएगी। और अगर स्कूटी रेंट पे लेनी है तो कुछ जगह है इस स्ट्रीट में जहाँ से स्कूटी रेंट पे मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग स्कूटी रेंट पे लेते हैं। दिस इज़ द प्लेस फ्रॉम वेयर वी आर टेकिंग कोपा कबाना। दिस इज़ द प्लेस। हमारी स्कूटी रेडी है, इट्स एंड टॉर्क। और आज हम लोगों को टाउन में वर्कला फोर्ट एक्सप्लोर करना है। एक फोर्ट है यहाँ पे, एंजिनेलो फोर्ट, और उसके पास ही एक टेंपल है, सरकारा देवी टेंपल। तो आज दिन की शुरुआत टेंपल से करेंगे। सरकारा देवी टेंपल जाएंगे सबसे पहले। जो फोर्ट है वो यहाँ से लगभग 14 किलोमीटर दूर है और जो टेंपल है वो लगभग 17 किलोमीटर दूर है। तो चलते हैं वर्कला टाउन की तरफ। सबसे पहले पेट्रोल भरवाते हैं और फिर टेंपल चलते हैं। सो आफ्टर ए ब्यूटिफुल राइड अलॉन्ग दी कोस्ट लाइन एंड थ्रू स्मॉल स्मॉल विलेजेस एंड मार्केट्स ऑफ वर्कला, वी हैव रीच्ड टू दी सरकारा देवी टेम्पल। ये मेरे पीछे टेम्पल है। तो ये वर्कला का बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पल है, माता जी का टेम्पल है। बट नॉट मैनी टूरिस्ट विजिट हियर, दिस इज़ ए काइंड ऑफ बीट प्लेस। बहुत ही कम लोग आते हैं यहाँ पे। बट टेम्पल इज़ गुड, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। आर्किटेक्चर बहुत अच्छा दिख रहा है, जो केरला के नॉर्मल टेम्पल्स का आर्किटेक्चर होता है बिल्कुल उसी तरह का है। एंड वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट टेम्पल ऑफ वर्कला, सरकारा देवी टेम्पल। तो चलते हैं अंदर, दर्शन करते हैं। तो मंदिर में दर्शन कर लिया हमने। ये मेरे पीछे टेंपल है और इसके आसपास बहुत ही ओपन स्पेस पड़ा है। तो आई थिंक जब कोई फंक्शन होता होगा तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती होगी, लोकल्स यहाँ पे, गांव वाले काफ़ी आते होंगे। तो बहुत ही अच्छा टेंपल है एंड बहुत ही यूनिक और बहुत ही ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है। केरला में ही इस तरह के आर्किटेक्चर के टेम्पल्स मिलते हैं। एंड ऑफकोर्स अंदर तो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी। एंड मुझे लगता है कि जब मंदिर आ रहे हैं तो एटलीस्ट मंदिर के अंदर जाके तो फिर फ़ोटो वीडियो में ध्यान नहीं देना चाहिए, पूजा में ध्यान लगाना चाहिए। शायद इसलिए ही अंदर फ़ोटो लेना अलाउड भी नहीं होता है। बट मेन टेम्पल के बाहर ये प्रमाइसिस में फ़ोटोज़ वीडियोज़ ले सकते हैं। सो बहुत ही अच्छा टेम्पल है, बहुत मुझे अच्छा लगा ये, वेरी वेरी यूनिक। तो इस टेंपल के बाद अब हम लोग एक फोर्ट जा रहे हैं, एक बीच साइड फोर्ट है। जैसे कि अरेबियन कोस्ट साइड में हम लोगों को बहुत सारे टाउन्स में, बहुत सारी सिटीज़ में बीच साइड फोर्ट मिलते हैं, वैसे ही ये भी एक बीच साइड फोर्ट है। इस फोर्ट का नाम है अंचुनेंगो फोर्ट या अंचुथेंगो फोर्ट। अंचुथेंगो एरिया पड़ता है, जो गाँव है वहाँ पर यह फोर्ट है। एंड वो फोर्ट यहाँ से इस सरकारा देवी टेम्पल से 3.5 किलोमीटर दूर है। तो अभी हम लोग चलते हैं, फोर्ट पहुंचते हैं। सो अभी हम लोग जिस रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं टुवर्ड्स दी फोर्ट, ये रोड एकदम बीच के किनारे किनारे जा रही है, एकदम कोस्ट लाइन से पैरेलल जा रही है। एंड यहाँ पे पीछे बीच है। तो हम लोग एक जगह रुके हैं जहाँ ये इस साइड बीच है और रोड की दूसरी तरफ
वहाँ पे एक रिवर जा रही है। तो वर्कला में इस तरह की बहुत सारी रोड है जो कुछ कुछ पार्ट में एकदम सी कोस्ट के पैरेलल चलती हैं। सो दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम कोस्ट लाइन के पैरेलल रोड जा रही है। तो थोड़ी देर यहाँ रुकते हैं बीच के पास, उसके बाद ये पीछे जो बैक वाटर्स की रिवर है वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, उसके बाद फिर फोर्ट की तरफ चलते हैं। तो हियर वी आर एट अंजंगो और अंजुथंगो फोर्ट। ये मेरे पीछे फोर्ट है और एकदम कोस्ट लाइन के बगल में है, एकदम समुद्र के बगल में है। और इस वक्त मुझे यहाँ पे कोई भी नहीं दिख रहा है। वैसे ये इतनी ऑफबीट प्लेस नहीं है, ट्रैवलर्स आते हैं यहाँ पे, बट शायद अभी दोपहर का टाइम है इसलिए कोई नहीं आया है, या फिर हो सकता है अंदर होंगे। अंदर चलते हैं। तो ये फोर्ट ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनवाया था 1695 में, यहाँ पे उस टाइम की जो क्वीन थी उनसे परमिशन लेके, एंड ऑफ कोर्स ये उनके ट्रेडिंग का, उनके बिजनेस का एक पार्ट था। और यहाँ पे एक लाइट हाउस भी है, वो पीछे लाइट हाउस है, एंड दिस लाइट हाउस सर्व्ड एज द फर्स्ट सिग्नल पॉइंट फॉर द शिप्स अराइविंग फ्रॉम इंग्लैंड टूवर्ड्स दिस प्लेस। फोर्ट छोटा सा ही है, बेसिकली एक बड़ा गार्डन है इनक्लोज्ड बाई फोर वॉल्स, एंड अंदर कुछ तहखाने होंगे, एंड इस फोर्ट का इस्तेमाल कुछ वॉर्स में एमुनेशन रखने के लिए भी होता था। सो इसके ऊपर भी जा सकते हैं, स्टेयर्स हैं वहाँ से इसके ऊपर भी जा सकते हैं। पीछे से देखते हैं सी कितनी दूर दिख रहा है, एंड उसके बाद ट्राई करेंगे इस लाइट हाउस में अंदर जाना अलाउड है कि नहीं। तो हमने फोर्ट के पास वाले लाइट हाउस में चेक किया, तो उसमें विजिटर्स के लिए टाइमिंग थी इवनिंग 3 to 5, तो अभी तो दोपहर थी तो अभी जा नहीं सकते हैं, और शायद इसलिए अभी वहाँ पे कोई दिख नहीं रहा था, शाम को आते होंगे लोग, तो फिर हम लोगों ने वो स्किप कर दिया क्योंकि हम लोगों का शाम का कुछ और प्लान है। सो आफ्टर दैट वी हैव कम टू अनदर प्लेस, यहाँ पे हम लोग बैक वाटर्स की एक और रिवर के पास आए हैं, एंड वी आर प्लानिंग टू गो टू गोल्डन आइलैंड। सो यहाँ पे बैक वाटर्स में एक काफ़ी बड़ी लेक है, और उस लेक के बीच में एक आइलैंड है जिसको गोल्डन आइलैंड कहते हैं। बेसिकली यहाँ पे तो उसको पोन्नम थुरथु कहते हैं, लेकिन उसका गोल्डन आइलैंड भी नाम है, एंड वहाँ जाने के लिए हमको बोट लेनी पड़ेगी। तो 2-3 बोट क्लब हैं उस लेक के आसपास, तो हमने गूगल में पोन्नम थुरथु गोल्डन आइलैंड डाला तो उसने हमको एक बोट क्लब के पास लाया, दिस इज नोवा बोटिंग क्लब। तो हम लोग अभी इस बोट क्लब में पहुंचे हैं, एंड देर आर टू ऑप्शंस हियर, आइदर यू कैन गो बाई बोट और यू कैन गो बाई काइकिंग। सो काइकिंग का चार्ज है 650 पर पर्सन, एंड इट विल टेक अराउंड 40-45 मिनट वन साइड टू रीच द आइलैंड फ्रॉम दिस प्लेस जहाँ पे इनका ऑफिस है, एंड बोटिंग चार्ज इज 350 पर पर्सन, एंड दैट विल टेक अराउंड 15 मिनट टू रीच द आइलैंड। सो दैट इज द होल सेटअप टू रीच गोल्डन आइलैंड पोन्नम थुरथु। तो अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, बोटिंग से जाएंगे हम लोग, दैट विल कॉस्ट अस 350 पर पर्सन, एंड 15 मिनट वन साइड, 15 मिनट कमिंग बैक, एंड वहाँ पे आधा घंटा स्पेंड करने को मिलेगा। सो हियर वी आर एट दी गोल्डन आइलैंड, एंड यहाँ पे टेंपल है और काफ़ी घना जंगल है यहाँ पे गोल्डन आइलैंड में, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं, बस जंगल ही जंगल है, और जंगल के बीच में ये एक बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही खूबसूरत सा टेंपल है। सो दिस इज़ द टेंपल बिहाइंड मी, ये शिवा पार्वती का टेंपल है, एंड ऑफ कोर्स अभी तो बंद है, शाम को खुलेगा,
बट ये टेम्पल का इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सीरीन है। चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ एक बड़ी सी लेक, लेक के बीच में ये आइलैंड जिसमें जंगल ही जंगल है, एंड जंगल के बीच में ये शिवा पार्वती का टेम्पल। बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है। तो अभी हमारे पास आधा घंटा है, यहाँ पे हम लोग घूमते हैं, ये आइलैंड थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं जहाँ जहाँ जा सकते हैं जंगल के बीच में, उसके बाद फिर यहाँ से रिटर्न करेंगे। सो वी आर बैक ऑन दी क्लिफ एंड दिस इज हाउ दिस स्ट्रीट लुक्स इन दी डे टाइम। सो गोल्डन आइलैंड के बाद हम लोग वापस अपने हॉस्टल आ गए थे एंड नाउ वी आर गोइंग टू अनदर बीच। तो वर्कला में ये जो दो मेन बीचेज हैं, पापनासम बीच एंड वर्कला बीच, इसके अलावा कुछ और भी बीचेज हैं विच आर क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो वर्कला के साउथ में एक बीच है अलेरिकम बीच, वो थोड़ा दूर है, लगभग 3 किलोमीटर दूर है। वहाँ पहुँचने के लिए रोड से जाना पड़ेगा, तो आइदर ऑटो या फिर स्कूटी वगैरह लेनी पड़ेगी। एंड टुवर्ड्स दी नॉर्थ ऑफ वर्कला देर आर टू गुड बीचेस, ब्लैक सैंड बीच एंड ओडायम बीच। इन दो बीचेस के लिए ये जो स्ट्रीट है, इस स्ट्रीट पर ही चलते चलते हम वो बीच पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रीट बहुत लंबी है। सो ब्लैक सैंड बीच इज अबाउट 1 किलोमीटर फ्रॉम वर्कला बीच एंड दिस स्ट्रीट लीड्स अप टू दी ब्लैक सैंड बीच। एंड दिस स्ट्रीट वॉज क्वाइट वाइड एट द बिगिनिंग, बट जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं थोड़ा नैरो होती जा रही है, एंड यहाँ पे व्हीकल्स भी अलाउड नहीं है। थोड़ी दूर तक ही स्टार्टिंग में स्कूटी टू व्हीलर्स अलाउड थे, बट आफ्टर दैट नथिंग इज अलाउड। तो काफ़ी अच्छी और लंबी स्ट्रीट है ये थ्रू आउट दी नॉर्थ क्लिफ ऑफ वर्कला। तो पहुँचते हैं ब्लैक सैंड बीच और ये स्ट्रीट भी आगे तक एक्सप्लोर कर लेंगे। अभी तक इतनी दूर तक तो हम लोग गए नहीं थे स्ट्रीट में। नाउ वी विल गो अप टू 1 किलोमीटर ऑन दिस स्ट्रीट, देखते हैं आगे कैसा मार्केट है और कौन कौन से होटल हैं आगे। सो दिस इज़ द एरिया नियर ब्लैक सैंड बीच एंड यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी वाइब है, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट हैं, होटल्स हैं, ब्लैक बीच रिजॉर्ट है यहाँ पे एंड बहुत लोग हैं यहाँ पे। बीच में ये स्ट्रीट थोड़ा डिजर्टेड हो गई थी, बट अगेन यहाँ ब्लैक सैंडी बीच के पास काफ़ी सारी रौनक है, देर आर लॉट ऑफ रेस्टोरेंट्स एंड यहाँ बीच भी थोड़ा सा शैलो है और यहाँ बीच पर सर्फिंग भी हो रही है, लोग सर्फिंग की ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी वाइब्स है, यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ है एंड पहले पता होता यहाँ पर इतना शैलो वाटर है तो हम लोग यहाँ पर ही आते नहाने के लिए। हमारी इस बीच ट्रिप पे हमको कहीं बीच में घुसने को मिला ही नहीं, बट यहाँ पे देख रहे हैं कि लोग नहा भी रहे हैं और सर्फिंग भी कर रहे हैं, सर्फिंग की ट्रेनिंग ले रहे हैं बहुत सारे लोग। तो अच्छा लग रहा है ये ब्लैक सैंड बीच, एंड ब्लैक सैंड बीच ऑब्वियसली इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ की सैंड थोड़ा सा ब्लैक है। जो वर्कला बीच की सैंड थी वो गोल्डन थी, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक है सैंड, दैट इज़ वाई इट्स कॉल्ड ब्लैक सैंड बीच। सो दिस इज़ द बीच फ्रंट हियर ऑफ ब्लैक सैंड बीच। वहाँ पे एक क्लिफ है, उस क्लिफ के ऊपर काफ़ी अच्छा माहौल है, बहुत अच्छी वाइब है, वहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं एंड यहाँ एक छोटा सा बीच है जहाँ पे सर्फिंग की ट्रेनिंग हो रही है, लोग नहा रहे हैं वहाँ पे। एंड यहाँ पे बीच में थोड़ा सा रॉकी बीच है, आगे भी एक बीच दिखा रहा है गूगल में, उसको भी ब्लैक सैंड बीच बता रहा है। सो ब्लैक सैंड बीच के बाद पूरा मार्केट अचानक से ख़त्म हो गया और फिर से बहुत कामनेस और सीरिनिटी आ गई। तो जो मेन मार्केट था वो वर्कला बीच और ब्लैक सैंड बीच, इन दोनों के बीच में ही था एंड ब्लैक सैंड बीच के बाद अगेन पूरा मार्केट ख़त्म हो गया है और यहाँ पे बहुत ही सीरीन इन्वायरमेंट है। ये जो स्ट्रीट है ये अभी भी कंटिन्यू हो रही है, तो हम लोग आगे जा सकते हैं, बट बहुत ही अच्छा यहाँ पे माहौल हो गया है। कोकोनट ट्रीज, बीच, समुद्र और ये स्ट्रीट, दैट्स ऑल हियर इट इज़। सो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। सो दिस इज़ ओडायम बीच, बहुत ही छोटा सा बीच है एंड इस बीच के सामने भी 2-3 रेस्टोरेंट और 2-3 रिजॉर्ट दिख रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा मार्केट नहीं है, बहुत ही शांत जगह है। तो वर्कला में अगर आपको शांति चाहिए, जो क्लिफ की हैपनिंग लाइफ है, अगर आपको उससे दूर जाना है तो वर्कला बीच से बस नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ते जाइए।
आपको ब्लैक सैंड बीच मिलेगा और ब्लैक सैंड बीच के बाद शांति ही शांति है। ब्लैक सैंड बीच भी जो एक क्लिफ है वहाँ पे जो मार्केट है उसके बाद पूरा मार्केट ख़त्म हो जाता है एंड उसके बाद बहुत शांति है। ओडायम बीच में भी बहुत शांति है। तो बेसिकली ब्लैक सैंड बीच के बाद टूरिस्ट एरिया ख़त्म हो जाता है, उसके बाद रेजिडेंशियल एरिया है और बीच बीच में मछुआरों की कॉलोनी है, काफ़ी सारी मछुआरों की नाव भी खड़ी हुई हैं। तो ब्लैक सैंड बीच के बाद एकदम नॉन टूरिस्टिक बीच वाइब शुरू हो जाती हैं और ये मेरे पीछे वहाँ पर ओडायम बीच, इसके पास भी बहुत ही अच्छी नॉन टूरिस्टिक वाइब्स हैं, बहुत शांति है यहाँ पे, बहुत सीरिनिटी है, सिर्फ लहरों की आवाज़ है यहाँ, कोई आर्टिफिशियल म्यूजिक का शोर नहीं है। तो यहाँ पे बैठ के बहुत पीसफुल टाइम स्पेंड किया जा सकता है। और इसी रास्ते पर आगे चलते जाए, अगर ये जो क्लिफ के ऊपर पतला सा रास्ता है इसी पर आगे चलते जाएंगे तो और 1.5 किलोमीटर बाद इडावा बीच मिलेगा और उसके 1 किलोमीटर बाद कपिल बीच मिलेगा। तो ये एक बहुत ही लंबा पाथ है नॉर्थ क्लिफ के ऊपर वर्कला बीच से लेके कपिल बीच तक, लगभग 5-5.5 किलोमीटर का और बहुत ही खूबसूरत पाथ है क्योंकि बगल में एकदम सी चल रहा है। सी देखते देखते इस क्लिफ के ऊपर वॉक करने का एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। So guys, at the end of the day, we have come to one of the most popular place of Varkala, the Kapil Beach and Kapil Lake. और अभी 5:15 हुआ है, सनसेट होने में अभी 1 घंटा है। बहुत सुना था इस जगह के बारे में एंड वॉट ए ब्यूटिफुल प्लेस दिस इज। बहुत ही स्पेशल जगह है ये क्योंकि यहाँ पे बैकवाटर समुद्र के अंदर जाके मिल रहा है और काफी बड़ा बैकवाटर्स है यहाँ पे। यहाँ पे जो ये एक बहुत ही बड़ी वाटर बॉडी दिख रही है, ये सब बैकवाटर्स है, बहुत ही बड़ी वाटर बॉडी है एंड आई थिंक इसी को कपिल लेक कहते हैं। तो ये रोड के इस साइड पे बैकवाटर्स है एंड अक्रॉस द रोड वहाँ पे है अरेबियन सी, वहाँ पे जो सामने बीच दिख रहा है वो कपिल बीच है। तो बहुत ही अच्छी जगह है ये, बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे मेन रोड से बीच तक जाने के लिए एक कच्चा रास्ता है, कुछ गाड़ियां भी वहाँ पे खड़ी हुई है। थोड़ी देर यहाँ रुकते हैं, ये बैकवाटर्स का नजारा एंजॉय करते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है सच में ये जगह एंड उसके बाद फिर बीच पे चलेंगे और फिर सनसेट देखेंगे आज कपिल बीच से। तो दिस इज कपिल बीच, काफी हैपनिंग बीच है, काफी सारे लोग हैं यहाँ पे और बहुत ही लंबा बीच है। सो ये कपिल एक्चुअली एक विलेज है वर्कला का जहाँ पे ये कपिल बीच है एंड दिस बीच इज अबाउट 8 किलोमीटर फ्रॉम वर्कला क्लिफ जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं। तो बहुत ही अच्छा नजारा है, बहुत अच्छा एटमोसफेयर है यहाँ पे, बहुत सारे लोग आए हुए हैं सनसेट देखने के लिए एंड सनसेट बस 15 मिनट में होने वाला है। तो दोस्तों, दिस वाज अवर लास्ट थिंग टू एक्सप्लोर इन वर्कला। हम लोगों का वर्कला टूर वर्चुअली पूरा हो चुका है। वी हैव एक्सप्लोर्ड दी बीचेज एंड क्लिफ ऑफ वर्कला, दी वर्कला स्ट्रीट ऑन नॉर्थ क्लिफ एंड ऑल्सो वी एक्सप्लोर्ड सम ऑफ बीट प्लेसेज इन वर्कला टाउन। सो विद ऑल दिस अवर वर्कला ट्रिप इज ओवर, बट हमारे पास कल का दिन और है यहाँ पे एंड कल हम लोग एक एक्सकर्जन प्लान कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू जटायु अर्थ सेंटर, एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो कि काफी रिसेंटली डेवलप हुआ है। जटायु अर्थ सेंटर, आपने उसकी फोटोज देखी होगी मूवीज में या इंटरनेट पे, एक जटायु की काफी बड़ी सी मूर्ति है जटायु बर्ड की, तो वो यहाँ केरला में ही है। दैट प्लेस इज अबाउट 30 किलोमीटर फ्रॉम वर्कला। तो कल हम लोग जटायु अर्थ सेंटर जाने वाले हैं। ये स्कूटी हमारे पास कल भी रहेगी, तो कल हम लोग स्कूटी से जटायु अर्थ सेंटर जाएंगे। तो जटायु अर्थ सेंटर मैं नेक्स्ट व्लॉग में कवर करूंगा, इस व्लॉग के लिए इतना ही। और वर्कला का फर्स्ट व्लॉग भी जरूर देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। फर्स्ट व्लॉग में मैंने वर्कला क्लिफ, नॉर्थ क्लिफ, साउथ क्लिफ और जो वर्कला के स्ट्रीट है जहाँ पे सारे कैफेज एंड रेस्टोरेंट्स है वो दिखाया है। तो दोस्तों, इस व्लॉग को आप बंद करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को इसी तरह के ट्रैवल व्लॉग्स देखने के लिए। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट व्लॉग में, जटायु अर्थ सेंटर के व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हैव ए गुड टाइम एंड बाय फॉर नाउ।